सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई। आज फिर हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं अल्ताफ भाई के कबूतरों का। कबूतर बहुत ज़्यादा है साहब, तो पार्ट थोड़ा ज़्यादा बनेंगे लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा, आप बने रहिएगा। आज सेकंड पार्ट के अंदर हम कुछ खास चीज़ें देखेंगे जैसे अलग मज़े। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे सोनू भाई के साथ में, साथ में सुहेल भाई हैं और हमारे अल्ताफ भाई के साथ में। चलिए, हमारे अल्ताफ भाई की तीन लॉफ्टें टोटल मिला के, अभी एक लॉफ्टी और ये दूसरे लॉफ्टी निकल रहे हैं पूरे कबूतर। तो इसमें से हमें एक कबूतर वो दिखाना चाह रहे हैं जो इन्होंने कल पकड़ा था, रात कल शाम को पकड़ा और सिर्फ एक ही दिन के अंदर अगले दिन आके जज साहब ने पर खोले थे उसके और उस कबूतर को उड़ाया था और वो रजिस्टर होकर बैठा था। तो वो वाला कबूतर हम देखना चाह रहे हैं आज, क्योंकि जी इसकी उम्र कितनी हो गई होगी? सात से आठ साल। मैं आपको पूरे कबूतर दिखाना चाहूंगा जी। जो चार साल पहले मैंने पकड़ा था टूर्नामेंट हमारा उड़ान थी, उससे एक दिन पहले ये पकड़ा था मैंने जी, और दूसरे दिन टूर्नामेंट में उड़ाया था और रजिस्टर होकर बैठा था। बहुत शानदार माशा, और उसके बाद हर टूर्नामेंट में रजिस्टर होकर बैठा है। चार साल उड़ाया मैंने इसको, चारों साल हर रजिस्टर टूर्नामेंट में रजिस्टर होकर बैठा है। तो ये एक दिन वाले के नाम से पूरे भोपाल में मशहूर है। एक दिन वाला, ये एक दिन वाले हैं, एक दिन ही रुके थे और दूसरे दिन रजिस्टर हुए थे, एक दिन वाले के नाम से मशहूर है जी। माशाल्लाह बहुत शानदार, इसके परोर दिखा दीजिए आप, पर खुलने बराबर बिल्कुल देखिए। और इनके बच्चे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा होगा फिर तो, सब बच्चे भी सब उसके उड़ना बहुत बढ़िया। पंजे और दिखा दीजिए जी, हाँ बहुत बढ़िया। अल्ताफ भाई टोटल मिला के कितने कबूतर होंगे आपके पास? 600 से 700 कबूतर और तीन लॉफ्ट है टोटल मिला के, दो ब्रीडिंग लॉफ्ट और एक हाई। अच्छा तीन ऊपर ढाबल है, अच्छा दो ये नीचे है और तीन ऊपर है, मुझे तो तीन का पता था कि दो नीचे एक ऊपर, तीन ऊपर है। तो इसमें ये घूम रहा है कलमुआ का कबूतर घूम रहा है, कलमुआ टाइप का काम गया। ये इनका क्या, इनका क्या रिजल्ट है, कैसे है? अच्छा अच्छा, अपना गर्रा मजदूर है, गर्रे तो गर्रा और दिखा दिए फिर हमें एक बार जी। ये रखते हैं सारे कबूतर पड़ोस पास से, बिल्कुल 600 से 700 कबूतर हैं टोटल मिला के, पांच लॉफ्ट के अंदर मिला के। और हर एक कबूतर एक फरोज भाई, ये कबूतर और दिखाई जो दिख रहा है मेरे को, ये इसकी उम्र करीब 20-22 साल दिख रही है मेरे को, जिसपे मेरा ये फोकस जा रहा है। ये वाला, ये तो उसके हालत से लग रहा है कि वो बहुत सालों पुराना कबूतर है। ये देखिए चोंच और हालत उसकी उम्र बयां कर रही है और उसकी आंख उसकी नस्ल बयां कर रही है। कितने साल हो गए अल्ताफ भाई अपने? कितने साल हो गए? 20 साल से ऊपर का कबूतर अलग ही लग रहा है वो। एक ही मेरे यहाँ के घर रहे हैं, एक ही जोड़ के 27 बच्चे हैं इनके, एक ही जोड़ के 27 बच्चे हैं। बहुत लाजवाब आंख है, ये माजिन है, ये माजिन जी। वो अभी तक कोई भी गिरा नहीं है अपने, ना गिरा है ना कहीं जाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत शानदार जी।
बहुत शानदार माशाल्लाह। इसका नर नर ये सगा भाई है, सगे भाई से माँ बाप और बन भाई। ये दूसरी लॉफ्ट के हैं, ये मैं आपको करीब से एक बार सारे कबूतर दिखा देता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही हम सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे अल्ताफ भाई का, फिरोज भाई का, सुहेल भाई का, जिसमें कि सिर्फ हाई फ्लायर जो उड़ रहे हैं कबूतर और टूर्नामेंट में जो उड़े हैं उन कबूतरों का वीडियो हम स्पेशली डालेंगे। और इस बार ये खुले हुए कबूतर आपको दिखा देता हूँ एक लॉफ्ट के, और दूसरी लॉफ्ट भी इंशाल्लाह अभी खुलेंगे अल्ताफ भाई हमारे लिए। कबूतर 600-700 कबूतर है और वक्त भी कम रहता है हमें, ताकि वीडियो अच्छा क्वालिटी वाला बन जाए। बहुत शानदार भाई अल्ताफ भाई, दूसरी लॉफ्ट को खोल दीजिए इनको बंद करके, तो उनका और क्लोजअप ले लें हम। ये इसी साल मैंने पर काट दिया जो इसका उधर के जी, ये मेरे यहाँ शाम शाम तक आया, टूर्नामेंट में उड़ाया इसका उधर का मैंने। ये भी टूर्नामेंट वाले हैं जी, इसका पर और दिखा दीजिए, इसको खुद ही मैंने टूर्नामेंट में उड़ाया, शाम शाम को कई बार शाम आया इसका उधर। बहुत बढ़िया, ये सब काट नहीं दूंगी, उसकी काट नहीं पड़ी है। ये देखिए हमारे लिए स्पेशली लॉफ्ट खोलते हुए अल्ताफ भाई, बहुत कबूतर है साहब, बहुत कबूतर है, बहुत बड़े शौकीन है हमारे अल्ताफ भाई। अभी एक तरफ की लॉफ्ट खुली थी, दूसरी लॉफ्ट की। अच्छा अच्छा, जो घरी जोड़ है आपकी, इनकी सारी नस्लें बस बस ये अभी जोड़ के ही 27 बच्चे हैं इस जोड़ के जी, 27 बच्चे हैं इसके एक ही जोड़। बहुत जबरदस्त, पर और दिखा दीजिए, ये नर है हाथ में महाजन जी, नर है ये, नर है महाजन, इसके बाद दिखा दीजिए। बहुत शानदार माशाल्लाह, चार पांच रंग के गधे निकलते हैं, दस पांच सफेद भी निकलते हैं जी, अबरे टाइप में भी निकलते हैं, गहरे काले भी निकलते हैं, पांच सुर्खीदार भी निकलते हैं। अच्छा ऐसे भी निकलते हैं? हाँ सुर्खीदार भी निकलते हैं, चार पांच रंग के लगभग 14 निकलते हैं। बहुत बढ़िया माशा, ये हमारे लिए लॉक खुली अल्ताफ भाई ने, और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्ताफ भाई के हम आए और हमें शो करने का मौका मिला अल्ताफ भाई के, और इतने ज़्यादा कबूतर एक ही छत पे देखने का मौका और फिर मज़ा, वो बात ही अलग होती है साहब। हर लॉक के अंदर अलग अलग कबूतर और हर नस्ल मौजूद है, रामपुरी से लेकर लल सरो से लेकर गर्रे गोल्डन जी। और कबूतर जिस हिसाब से हैं साहब, उस हिसाब से देख के मेरे को लग रहा है कि बहुत आज शाम हो जाएगी हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। हर खूबसूरत और उड़ान वाले ये वाले, ये कौन सा लेवल से कर रहे हैं? ये खालिस रामपुरी का है। जी
बहुत बढ़िया। तो भाई लोग सेकंड पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अल्ताफ भाई के कबूतरों का, और पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है भोपाल पिजियंस। और मैं जल्दी हर जगह से भोपाल के बेहतरीन कबूतर आपको शो कराता रहूँगा। सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमें प्रमोट करें और सब्सक्रिप्शन दें मेरे चैनल को जिसका नाम है भोपाल पिजियंस। और हम अल्ताफ भाई के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें अपने लॉट के पूरे सारे कबूतर दिखाए। और जल्दी मैं थर्ड पार्ट अपलोड करूंगा सिर्फ जिसके अंदर जो कबूतर अभी उड़े हैं और जो उड़ रहे हैं टूर्नामेंट में जो उड़े हुए हैं उन कबूतरों की मैं वीडियो बनाऊंगा। हाल इसकी बहुत बहुत शुक्रिया भाई।